गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। सुबह का टाइम हो रहा है, सुबह के बज रहे हैं अभी 6 और मैं उठ गई हूँ सो के। और रात में मैं यहाँ पे सोई थी ये वाले बेड पे, और अर्दांश मेरे पास सोया था, मम्मी यहाँ पे सोई थी, मामी जी इधर नीचे सोई थी, तो मैं भी उठ गई हूँ। और अभी मैंने थोड़ा सा लैपटॉप चालू किया है क्योंकि मेरा ना बहुत दिनों से ब्लॉग नहीं जा रहा, जब से मैं घर से आई हूँ जब से मैंने ब्लॉग ही एडिट नहीं किए। सो फाइनली अभी थोड़ा सा टाइम था, क्योंकि भाग दौड़ इतनी ज़्यादा हो रही ना, तो ब्लॉग एडिट करने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा। सो आज मैं थोड़ा सा फ्री थी, मतलब सुबह मैं उठ भी गई हूँ जल्दी से, मैंने सोचा ब्लॉग एडिट कर देती हूँ, क्योंकि अभी इस टाइम पे कुछ कर भी नहीं रही हूँ क्योंकि मामा जी के यहाँ आती हूँ तो कुछ करने भी नहीं देती हैं मामियाँ। सो मैंने सोचा मेरे पास टाइम है, मैं लैपटॉप भी लिए हुए थे साथ में, तो मैंने ब्लॉग एडिट करने के लिए बैठूंगी। पहले मैंने सोचा थोड़ा सा ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ, आप लोगों से हाय हेलो बोल देती हूँ, एंड ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। सो ब्लॉग में बने रही आप एंड तक, बाहर चलते हैं और बाहर देखते हैं क्या हो रहा है। सो मैंने अभी ब्रश वगैरह कर लिया है, चाय वगैरह पी ली है, और बाकी का देखते हैं क्या होते हैं। ब्लॉग में एंड तक बने रहिए, और अच्छा लगे तो लाइक करना है, ब्लॉग को शेयर करना है, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। थोड़ा सा डूंगा डूंगा ले लेते हैं क्योंकि ससुराल वाली बात है ना, तो बनता है। पानी लिया हूँ गिलास। क्या बना रही माई? अब माई की कड़ी बन रही है तोला में, तोला वाली कड़ी, हींग, हरी मिर्च और प्याज का छौंक लग रहा है। ये देखो कड़ी में छौंक लग गया है, माई बेसन डालेंगे ऊपर से। कड़ी खा लो बना दी माई ने। भाई कड़ी बना दे तो खा लो, कड़ी तो बना ही रही है। ए कितनी बनाई हमने तोला भरी, अब क्या होना चाहिए, पकौड़ी दे दे हैं, पकौड़ी लगेगी हाँ। पकौड़ी डाल लेंगे। ये देखो बेसन गल गया इसमें। माई की कड़ी बन रही है, संग में क्या लिए अपने, अपनी वो बीड़ी ली हुई है, माई बीड़ी पी रही है। ये देखो छोटे छोटे बच्चे, मामी दो दो काम साथ में कर रही है। ये देखो इसको देखो क्या हो गया। ये देखो छोटी सी लड़की है। माई की कड़ी में आ गया उबाल, ये देखो माई कंटिन्यूअसली चला रही है कि बाहर ना निकल जाए। लगती अब भटिया की तर रही हो जाती। अभी हम लोग जा रहे हैं डैम में नहाने के लिए, और पता है पीछे बैलगाड़ी आ रही है, हम लोग उसमें बैठने वाले हैं, उससे बैठ के जाएंगे उसमें डैम पे नहाने के लिए। मम्मी जा रही है, ये रुकमनी ये भी जा रही है, हम जा रहे हैं पीछे, रुद्रांश जा रहा है, मम्मी जुगाड़ लगा रही है बिल्कुल। एक्चुअली थोड़ा सा दूर है ना, 1 किलोमीटर दूर होगा ना, कुछ इतना दूर है। हाँ बैठ रहे हैं, नानी बोल रही है कि वो जो पीछे बैलगाड़ी आ रही है उसमें बैठ जाए, वो भी वहीं जा रही है, तो ठीक है ना, थोड़ा सा पैदल चलना बच जाएगा हमारा। हम लोग बैठ जाएंगे अभी इसमें, यहीं बैठ जाए बस, हम लोग बैलगाड़ी के मजे लेंगे आज में। बैठो मम्मी। पता है मैं बैलगाड़ी पे कभी नहीं बैठी, मैं बैठी हूँ तो इधर, ये जो साइड में ये रहते ना दोनों तरफ, यहाँ बैठी हूँ। हाँ बाबू बैठो, चलो दादी के पास हम बैठ रहे हैं, पीछे से बैठेंगे, चलो। मम्मी इसको पकड़ के रखना। हाँ मैं बैठ जाऊंगी, आप बैठो। नानी आप बैठो, हाँ नानी आप बैठो पहले, मैं पीछे बैठूंगी, आप अंदर जाओ। देखो भाई हम सारे लोग बैलगाड़ी पे सवार हो गए, ऐसा नहाना कहीं नहीं देखा होगा। मम्मी के दादाजी का चबूतरा बना हुआ है, ऐसा नहाना कहीं नहीं देखा हो कि बैलगाड़ी से नहाने जा रहे हैं। देखो पहली बार हुआ है। अभी वजन ज्यादा हो गया शायद, बैल ढो नहीं पा रहे अपन को। देख रहे हो बाबू पहली बार बैलगाड़ी में बैठा है, हैं? बोलेरो है ना वो? पहले की बोलेरो यही थी। अरे ऐसा लग रहा है गाड़ी पे तो गिरी जा रहा है, ये भी ऐसे हिल रही है ऐसे। देखो नानी सही लग रहा,
नानी की पुरानी याद ताजा हो गई होंगी। मम्मी आप सबसे बैठी बैलगाड़ी पे कितने साल बाद है? मम्मी बोलती हैं मम्मी की जब विदा हुई थी, आपकी विदा कहाँ में हुई? बैलगाड़ी से ही हुई थी ना। अच्छा पाल की बाबू बजार जगह है खाली, बैठना हो तो बैठ सकती हो। ये भाई का ब्लॉक लगा बाल में भी कोटा होता रहा हूँ। मैं पहली बार बैठी हूँ बैलगाड़ी में। अरे पीछे ट्रैक्टर भी तो आ रहा था, पर ट्रैक्टर पे भी बैठ जाते हैं। आप ट्रैक्टर पे बैठ जाते हैं, दोनों ही मजे ले लेंगे। ट्रैक्टर भी वहीं जा रहा, बैलगाड़ी भी वहीं जा रही है और हम भी वहीं जा रहे हैं। कहाँ? हाँ चप्पल निकल गई मेरी। कहाँ गाड़ी? बैठने थोड़ी ना मिलेगा उसमें। चलो ना, चल रहे किसी में घूमना है। ये देखो, ये दिख रहा है यहाँ से ही डैम दिखना स्टार्ट हो गया है। ये देखो अब खेत के बीच में से जा रहे हैं हम, खेत मिट्टी की खुशबू लेते लेते जा रहे हैं हम लोग जा रहे हैं खेतों के बीच में से। मिट्टी इतनी ज्यादा बो रही ना, खेत में जुताई हो गई ना, पैर फंस फंस जा रहे हैं। मम्मी जा रही है पक्के लिए बैलगाड़ी के मजे लेते हुए, नानी पीछे आ रही है। गाँव के जो देसी मजे रहते ना वो वाले मजे ले रहे हैं। मस्त सब खेतों के बीच में जाके बैलगाड़ी पे बैठ के धूल खाते जा रहे हैं हम। मेड़ो मेड़ो पे चलते हैं, नहा के आते हैं मस्त चिल्ड चिल्ड वाटर में। पानी बहुत ठंडा हो रहा होगा ना डैम का, माता टीला डैम। आ बिट्टू संग मेरो डांस भी पूरे मजे ले रहा है। उसके पापा तो आए नहीं, वो घर पे ना आएंगे। हम लोगों ने सोचा हम क्यों पीछे रहे, हम भी फुल मजे लेके आते हैं ना, है ना। ये हमारी देवरानी आ रही है पीछे पीछे। हाय तो बोल दो। अरे ये क्या बना हुआ है? ये देखो ये किसी ने बनाया होगा, ये घर बना हुआ है और झूला बना हुआ है उसमें। देखो बच्चों के काम होगा किसी लड़की लड़की, है ना। थोड़े दूर है पर डैम तो यहाँ से दिख रहा है। जहाँ पे हमें खाने जाना है वो थोड़ा सा और आगे। ये देखो डैम तो यहाँ से दिख रहा है, पानी पानी दिख रहा है पूरा। मैं फर्स्ट टाइम ऐसे कभी आज तक मैं किसी डैम पे नहाने नहीं गई, मतलब डैम क्या तालाब पे भी मैं नहाने नहीं। पहली बार आज मैं पहली बार तालाब पे ऐसे नहाने जा रही हूँ। एक मकोड़ लगी, आओ यहाँ पर खाएंगे अपन। अरे कच्चे भी तो अच्छे लगते हैं। ये लगे हुए हैं, ये भगवान जी पे भी चढ़ते हैं ग्यारस के दिन। ये बेर और इनको मकोर बोलते हैं। तो अभी ये पकी नहीं, जब पक जाती है तो बिल्कुल ब्लैक ब्लैक हो जाती है, जैसे वो एक ऊपर लगा हुआ ना ब्लैक कलर। हाँ इधर ज्यादा लगा हुआ है ना, बट अभी ये कच्चा है ना तो कच्चा इतना अच्छा नहीं लगता। जब पक जाता ना, पक मतलब बिल्कुल ब्लैक हो जाता ना, तब ज्यादा अच्छा लगता है खाने में, टेस्टी। हाँ देखते हैं अगर हो पाए तो हम उसमें भी बैठेंगे। बोट जा रही है आगे। रिंकेश हमें बीच खेतों में से पैदल आना पड़ा। अरे बाबू बाबू हट बिट्टू, बाबू पकड़ के रखना। बाबू का और दिमाग चलता है, उल्टा बैठा है। ये देखो ये आ गया हमारा डैम, यहाँ नहाएंगे हम।